हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हेमंत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल HT स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित जो है सामान्य ज्ञान के बारे में, तो सभी क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और फ्रेंड, शुरू करने से पहले जो आपको वीडियो के नीचे जो रेड कलर का जो बटन दिखाई दे रहा, आप इसे दबा के सब्सक्राइब कर लें। उसके सामने जो बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत की सबसे जो है महत्वपूर्ण मिट्टी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर दो का, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊँची पर्वत चोटी है वो हमारी पारसनाथ। इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर तीन का, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो कहां पे पाई जाती है सर्वाधिक जो है ग्रामीण साक्षरता? ये पाई जाती है हमारी गोवा में। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, देशांतरीय दूरी एक घंटे के किस समय अंतराल के बराबर होती है? तो किस समय अंतराल के बराबर होती है? तो ये होती है हमारी 15 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? तो कितने गुना हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी जो है 64 गुना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर छः का, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? तो ये हमारी गुड़गांव में, जो कि हरियाणा राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक देश है ये है भारत। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो केले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा वो भी भारत ही है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश हमारा ये भारत ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी परिस्थिति में जो है सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है? तो कौन सी स्थिति में होता है ये? तो ये होता है पूर्ण चंद्र। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि का जो सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो ये देता है दोनों ध्रुवों पर। उसके बाद नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है, तो कहाँ है इंदिरा गांधी जो उद्गम स्थल? ये है गांधी सागर बांध में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1981 में, जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी 1981 में। उसके बाद नेक्स्ट है, संप्राय जो है मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है ये? ये होता है उसकी वृद्धावस्था में। उसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ का ऊँट भारत पर भर में प्रसिद्ध है? तो कहाँ का जो ऊँट है वो भारत भर में प्रसिद्ध है? तो ये ऊँट है जो नाचना का जो ऊँट है, ये भारत में जो है बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है इसको। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ पे है ये? यह है गुजरात में, जो है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, यह है गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है 17 का, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो कौन सी जो है मृदा है जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो ये हमारी काली मिट्टी, जो कि बहुत ही उपयोगी मिट्टी है, जो है काली मृदा। नेक्स्ट है, जंगली गधों का अभ्यारण कहाँ है? तो जो जंगली गधों का अभ्यारण है यह है गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? जो रिहंद बांध है वो किस नदी की जो है जो किस सहायक नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोन नदी के ऊपर। ठीक है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो यह है सोन। उसके बाद नेक्स्ट है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो जो मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो कैसा है? तो ये है पर्वतीय। इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जो लावा के प्रवाह से जो है कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? ये होता है हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है जो लावा के प्रवाह से। नेक्स्ट है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में जो है स्थित है? तो यह उत्तरी और पूर्वी जो है गोलार्ध। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो किस भाषा में किया गया? ये किया गया था जो ग्रीक में।
तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो किस में किया गया, ग्रीक में। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की जो है सीमा को स्पर्श करती है, तो ये करती है जो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे जो लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जो है सबसे लंबी तटीय वाला जो है राज्य है, आंसर हो जाएगा इसका गुजरात, गुजरात जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।